आगे है सैर सपाटा करते करते अब हम सचमुच थक गए थे। थके हारे टैक्सी के पास आए, बहुत ज़्यादा थक चुके थे वो घूम घूम कर। अब वो बहुत टैक्सी के पास आए और रास्ते में एक होटल में जाकर जलपान किया और फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हो गए। वहीं पे पास में जो है फतेहपुर सीकरी है, यहाँ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मज़ार पर कुछ लोग कव्वाली गा रहे थे। वहाँ पर जो है शेख सलीम चिश्ती की क्या है मज़ार है, वहाँ पर कुछ लोग कव्वाली गा रहे थे। हमने यहाँ कुछ देर रुककर कव्वाली का आनंद लिया। पंचमहल और हवा महल भी बहुत सुंदर है, वहाँ पर उन्होंने पंचमहल और हवा महल भी देखे। लौटते हुए हम राधा स्वामी मंदिर देखने गए। जब वो वापस आ रहे थे फिर वो राधा स्वामी मंदिर में गए। यहीं पास में पर्यटकों के लिए भेंट वस्तुओं की कई दुकानें हैं। वहाँ पर जो है जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए जो है यहाँ से यादगार चीज़ ले जाने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ ताजमहल के बहुत सुंदर सुंदर नमूने मिलते हैं, ताजमहल के छोटे छोटे जो है नमूने मिलते हैं। नाश्ती गुड़िया भी मनमोहक होती है। बच्चों के खिलौनों से दुकानें भरी पड़ी थी, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी जिसमें तरह तरह के क्या थे चीज़ बिक रहे थे। मम्मी पापा से कहकर तुम्हारे लिए ताजमहल का एक सुंदर नमूना खरीद लिया। मम्मी पापा से कहकर उसने क्या किया, एक ताजमहल का नमूना खरीद लिया और तुम्हारी छोटी बहन मिनी के लिए ढोल बजाता हुआ भालू और नाश्ता बंदर भी ले लिया। ये उपहार हम तुम्हारे जन्मदिन पर लेकर आएंगे, शेष मंगल विस्तृत बातें मिलने पर होगी। तुम्हारा अभिन्न मित्र रजत। ये पत्र किसने लिखा था, रजत ने लिखा था। और किसको लिखा था, अपने मित्र अनुपम को लिखा था 8 मार्च 2015 को। और कहाँ से लिखा था, नई दिल्ली कमला नगर से। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर रजत ने जो है अपने मित्र अनुपम को ताजमहल के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बताया। फिर उसने जो वहाँ की लाल किला है जो बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया है उसके बारे में भी उसने कुछ जानकारी दी। इसके बाद मोती मस्जिद के बारे में बताया। मोती मस्जिद के बाद वो जो है कहाँ गए, फतेहपुर सीकरी में गए। कहाँ पर, संत शेख सलीम चिश्ती की मज़ार पर। वहाँ के बारे में जो है उसने कुछ बताया, साथ साथ उसने पंचमहल और हवा महल भी वहाँ पर देखे। लौटते हुए वो कहाँ पर गए, राधा मंदिर, राधा स्वामी मंदिर देखने गए। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे जगह जहाँ जहाँ वो घूमा उसके बारे में अपने मित्र को जानकारी दी। पत्र का उद्देश्य, पत्र प्रस्तुत पत्र ताजमहल की ऐसी छवि प्रस्तुत करता है कि पाठक उसे प्रत्यक्ष देखने को विवश हो जाएंगे। मतलब जो भी ये चैप्टर पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि भैया हमें भी जो है ताजमहल देखने जाना चाहिए।